दिखाती हूँ उसको, कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। अब देखिए आपको सिर्फ पर्ल्स के लुक देगी, कोई मतलब दूर से यही बोलेगा कि ये गोल्ड का है। हॉल का सबसे सस्ता प्रोडक्ट जो है वो है ये, जिसमें आपको चार पेयर मिल रहे हैं, यानी आप ये समझिए आपको 25-26 रुपये का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया, एंड दिस इज शैली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अनदर मीशो हॉल। आई नो मैं अब काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा सा मैं कलेक्शन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो आज की पर्टिकुलर वीडियो है, ये है ज्वेलरी सेक्शन के ऊपर। तो ज्वेलरीज में से मैंने कुछ कुछ चीज़ें बाय की हैं, कुछ 6 पीसेज मैंने बाय की हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। और इसकी जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट हो जाती है 107 रुपीज़ से, 107 रुपये से, और लास्ट जाएगी ये 180 रुपीज़ तक। मतलब अंडर 200 आपको सारी ही ज्वेलरी जो है वो मिलने वाली है, और सारी एक से एक क्वालिटी की हैं। मैंने सब ट्राई कर ली हैं, खुल के चेक वैक सब कर लिया है मैंने, और अनबॉक्सिंग की वीडियो जो है वो मैं अपने शॉर्ट्स में डाल दूंगी, तो वो आपको और ज़्यादा क्लियरली दिख पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मेक श्योर जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा ये वुमेन ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड मंगलसूत्र। मतलब अगर आपको डेली वियर के लिए चाहिए, या फिर आपको हल्के फुल्के फंक्शन में अगर आप अपना जो गोल्ड का मंगलसूत्र है, रियल गोल्ड वाला मंगलसूत्र है, उसको नहीं डालना चाहते, कोई एक आर्टिफिशियल अच्छा सा आपको पेंडेंट वाला मंगलसूत्र चाहिए, तो आई थिंक आपके लिए ये बेस्ट होगा। क्योंकि एज अ मैरिड मैं भी यही प्रेफर करूँगी। और मेरे को एक्चुअली जब मैं ये मंगा रही थी, मैंने लास्ट टाइम भी इसको अपने विशलिस्ट में किया था, लेकिन यही डाउट था ये पता नहीं कैसा निकलेगा। बट लेकिन आपकी बार मैंने इसको मंगा ही लिया था, और आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये। यहाँ पर आपको गोल गोल सा ये पेंडेंट मिल जाता है इस तरीके से, और ये पूरी चेन है, डबल लेयर की इसकी चेन मिलेगी आपको, और ये इसका लॉक है। मैं आपको अभी पहन कर दिखाती हूँ इसको, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मतलब सिंपल साड़ी के साथ, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, गर्मी का मौसम है, तो आपको कुछ चौकर वगैरह नहीं डालना है, तो आप सिंपली इसको भी डालेंगे ना, तो ये आपके मंगलसूत्र और सेट का दोनों का ही काम करेगा, और आपका गला भी जो है वो खाली नहीं लगेगा। और इसके साथ ईयरिंग्स भी आपको मिलते हैं 107 रुपये में। आपको मंगलसूत्र भी मिल रहा है डबल लेयर की चेन में, और आपको ईयरिंग्स भी मिल रहे हैं। इसके ईयरिंग्स सच बताऊँ ना बहुत प्यारे हैं, जिस तरीके के मुझे चाहिए थे, बहुत छोटे छोटे। मैं इस तरीके के जो सेट्स होते हैं ना, मैं पर्टिकुलरली यही देखती हूँ कि मुझे जो डेली वियर के, या फिर आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का कहीं आना जाना है ना, तो आपको छोटे छोटे से ईयरिंग्स आपके पास होने चाहिए। तो देख सकते हो आप कितने सुंदर से गोल से, जैसा ये पेंडेंट है बिल्कुल सेम इसी तरीके के ये ईयरिंग्स हैं, और नीचे ये ब्लैक कलर का मोती लगा हुआ है। प्रोडक्ट्स के लिंक हैं वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, तो आपको इजीली सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसी सेलर से मिलेंगे जिस सेलर से मैंने बाय किए हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट था वो था मेरा ये, जो कि 107 रुपये का था। अब दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है बहुत प्यारा सा, ये एक्चुअली ये मैं मीशो पे जब आप स्क्रॉल करेंगे ना ज्वेलरी सेक्शन में, तो आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा। और ये पहले मैं सोच रही थी लेने के लिए, बट फिर मैंने लिया नहीं था, लेकिन इस बार मैंने परचेज करके देख ही लिया। ये है बेसिकली एक टीका और ईयरिंग्स का सेट, इसमें आपको नेक पीस नहीं मिलेगा। आपने वैसे मीशो पे देखा भी होगा, जो लोग मीशो स्क्रॉल करते रहते हैं उन्हें पता भी होगा। तो ये कुछ इस तरीके से, इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह मिल जाएंगे, और इसकी जो कॉस्ट है वो 160 रुपीज़ है, 160 रुपये। पहले मैं इसका आपको टीका दिखा देती हूँ। टीका है कुछ इस तरीके से, अब देखिए आपको सिंपली, जैसे अब गर्मी का सीज़न है ना, अगर आपको नेक पीस डालने का मन नहीं है, तो इस तरीके से आप इसका टीका वगैरह अरेंज करिए। और ये सिंपल से बहुत लाइट वेटेड इसके ईयरिंग्स हैं, ये देखिए आप, बहुत प्यारे पर्ल्स के। और स्पेशली समर में क्या होता है, पर्ल्स की आइटम ही हम ज़्यादा वेयर करना पसंद करते हैं। लाइट वेटेड है, आप देख सकते हो इस तरीके से इसके ईयरिंग्स हैं, और मांग टीका मैंने आपको दिखा दिया है। इसकी जो कॉस्ट है वो 160 रुपीज़। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है बहुत प्यारा सा, एक मुझे लॉन्ग वेयर में चाहिए था, एक रानी हार टाइप का चाहिए था बहुत टाइम से। तो मीशो पे जैसे मैंने एक बार पहले भी मंगवाया था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसकी क्लिप में अगर होगी तो मैं ऐड कर दूंगी। आई थिंक मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की थी वो रानी हार,
मुझे वो मंगाने के बाद बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था, लेकिन अब की बार मैंने ये मंगवाया था, और ये आई थिंक मैंने फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी देखा है, अमेज़ॉन पे भी देखा है, लेकिन जो रेट आपको मीशो पे मिल रहे हैं ना वो आपको बिलीव में कहीं नहीं मिलेंगे। और मैं सेलर की हमेशा रेटिंग वगैरह देख के, रेटिंग रिव्यूज़ देख के तभी चीज़ें खरीदती हूँ, इसलिए मैं अपने लिंक्स जो हैं जिन लिंक्स से मैंने परचेज़ किया है उसी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे मीशो वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं चिकनकारी कुर्तीज़ वगैरह के, तो वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक करना ना भूलें। तो नेक्स्ट जो है वो है ये रेड क्रिस्टल वाला, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 180 रुपीज़। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरीके की ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है, बहुत अच्छे से अब की बार पैकेजिंग जो है बहुत अच्छे से, नो डाउट बहुत अच्छे से बबल रैप वगैरह होके आई है, तो पैकेजिंग का आपकी बार कोई इशू नहीं था, वरना हमेशा मुझे ज्वेलरी जब भी मैं मंगवाती हूँ हमेशा मुझे पैकेजिंग का इशू रहता है। तो ये है कुछ इस तरीके से, इसमें आपको आई थिंक कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ये है कुछ इस तरीके से, इसमें काफ़ी सारी लेयर्स हैं। आपको मैंने पल्स वाली जो सेक्शन है, पल्स वाला सेक्शन ही लिया है बेसिकली, क्योंकि अब गर्मियों में पल्स के ही पहने जाते हैं। इस तरीके से आपने मीशो पे देखा भी होगा कई बार जब आप स्क्रॉल करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा है, कोई न्यू फैशन नहीं है, ये बहुत आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से है। और ये रेड ग्रीन कलर ना बेसिकली ऐसा होता है जो आप किसी भी साड़ी सूट पे इजीली वेयर कर सकते हो, और यहाँ पर इसकी डोरी आपको मिलती है जिसे आप इजीली छोटा बड़ा कर सकते हो अपनी नेक के अकॉर्डिंग, जितना आपको पहनना है। और इसके साथ आपको इयररिंग्स मिलते हैं, 180 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। तो इसके जो इयररिंग्स हैं कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर के हैं, और ये कॉमन कलर होते हैं, रेड और ग्रीन जो है वो कॉमन कलर होते हैं जो आपको इजीली किसी भी सूट साड़ी पे वेयर कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ये कुछ इस तरीके के इसके इयररिंग्स हैं ऐसे, और ये हो गया इसका नेक पीस, बिल्कुल जो पेंडेंट में आया है सेम ऐसे ही इयररिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा नेक्स्ट पीस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीस की तरफ, जो कि बहुत प्यारी सी, बहुत लाइट वेट, कुछ साउथ इंडियन टाइप की सी ये ज्वेलरी है। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके की ज्वेलरी मंगवाई है। वैसे तो ये प्योर आपको गोल्ड लुक देगी, कोई मतलब दूर से यही बोलेगा कि ये गोल्ड का है या आर्टिफिशियल, मतलब पहचानने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो ये मैंने मंगवाया था कुछ इस तरीके के बॉक्स में, ये आया है पैक होकर, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है ये, 160 रुपीज़ इसका प्राइस है। और मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये है कुछ इस तरीके का, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप की सी ज्वेलरी है ये, जैसे आप साड़ी वगैरह पे डालना चाहते हो, साड़ी पे ही मोस्टली ये जाएगी, सूट पे तो नहीं अच्छी लगेगी, साड़ी पे आप इसको इजीली वेयर कर सकते हो, ट्रेडिशनल टाइप की ज्वेलरी है ये, और बिल्कुल दूर से गोल्ड लुक देगी आपको। और इसमें भी सेम आपको जो डोरी है ये छोटी बड़ी करने का दिया हुआ है, मैं आपको इसको डाल के दिखा, आई थिंक सही पहना है मैंने, और कुछ थोड़ा सा और टाइट आप कर सकते हो, कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा। और इसके इयररिंग्स तो बहुत प्यारे हैं, वास्तव में आप बिलीव नहीं करोगे इतने सुंदर इसके इयररिंग्स हैं। और देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको तीन तरीके के ये पार्टीशन से मिलेंगे, इस तरीके का छोटा छोटा पांच शेप में आपको डिज़ाइन मिलेगा, और नीचे ये मोती लगा हुआ है, बहुत छोटे, बहुत लाइट वेटेड हैं। और इसका नेक पीस तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, कुछ इस तरीके की साउथ इंडियन टाइप की ट्रेडिशनल वेयर ज्वेलरी जो है मैंने फर्स्ट टाइम मंगाई है, और मुझे ये मतलब जितनी देखने में अच्छी लग रही थी ना उतनी ही अब ये पहनने में, और सामने से जो आई है उसमें बहुत अच्छी लग रही है। सभी का जो ट्राई ऑन हॉल है मैं साइड में देती रहूँगी, सो देट आपको पता चल जाए, अंदाज़ा लग जाए कि पहनने के बाद किस तरीके का लगे। नेक्स्ट जो है वो मैंने पल्स का ही मंगवाया है, ये थोड़ा सा आपको फंकी टाइप की ज्वेलरी, जैसे आप वेस्टर्न आउटफिट पे पहन सकते हैं, फंकी तो नहीं कहेंगे, वेस्टर्न आउटफिट के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और इसका जो लॉन्ग वियर था ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, और ये पैक ऑफ 4 है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो गोल्ड वाला मंगलसूत्र था, वो उसकी जो कॉस्ट थी वो 115 रुपीज़ थी, और इसका जो प्राइस है वो है 107 रुपये। तो इस पूरे हॉल का सबसे सस्ता प्रोडक्ट जो है वो है ये, जिसमें आपको 4 पेयर ऑफ इयररिंग्स मिलते हैं। तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है, इसमें आपको पर्ल्स और प्लस
शेल्स दोनों मिलेंगे। मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ अपना इस तरीके से। तो बहुत प्यारे ये लगते हैं ये वेस्टर्न आउटफिट के साथ अगर आप पहनते हैं तो। चार आपको 100 रुपये में मिलते हैं, 100 रुपये 107 रुपये में आपको मिल रहे हैं, यानी आप ये समझिए आपको 25-26 रुपये का एक इयरिंग पड़ रहा है। तो ये तो आपको शायद सरोजनी में भी नहीं मिलेगा, और आप इतनी गर्मी में किराया लगा कर जाएंगे तो वो सब चीज़ को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो वो तो कॉस्टली पड़ रहा है। और यहाँ आपको घर बैठे 107 रुपये और फ्री डिलीवरी है, किसी भी चीज़ के कोई चार्ज नहीं है। सभी जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं वो सब फ्री डिलीवरी है, तो आपको घर बैठे मिल रहे हैं। और दूसरा जो है वो ये इस तरीके के हुप्स हैं, पर्ल्स वाले हुप्स। और नेक्स्ट जो है, जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और मुझे काफ़ी टाइम से मुझे लेना था अपने वेस्टर्न आउटफिट के लिए, वो हैं ये लॉन्ग वाले हैं। आई होप आप लोगों को विजिबल होंगे। और लास्ट जो मिले हैं वो तो खैर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल से दे दिए, ये तो बिल्कुल ही सिंपल से हुप्स हैं, छोटे छोटे से ये स्क्वायर शेप में बर्फी सी शेप बनी हुई है। तो इसको भी आप किसी भी साड़ी वाड़ी पे या फिर ट्रेडिशनल आउटफिट पे, जीन्स पे आप डाल सकते हो। तो नेक्स्ट था मेरा ये। अब जो लास्ट पीस है वो है एक ब्रेसलेट। एक्चुअली क्या है, मेरे पास एक भी ऑक्सीडाइज्ड में बैंगल्स वगैरह या ब्रेसलेट वगैरह नहीं था। तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि अगर मैं कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल आउटफिट पहनती हूँ या फिर साड़ी पहनती हूँ ब्लैक कलर, स्पेशली ब्लैक कलर के जो आउटफिट्स होते हैं ना उनके साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी जो है बहुत अच्छे से पेयर हो पाती है। तो उसी के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ें मंगवाया था बैंगल। और ये जो है ये 150 रुपीज़ का एक बैंगल है, मतलब एक कड़ा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे थोड़ा सा डिफेक्टिव रिसीव हुआ है। मे बी मैं इसको एक्सचेंज कराऊंगी या फिर मैं इसको रिटर्न करूंगी, समझ नहीं आ रहा। ये अगर ऐसे ही मिलेगा तो मैं इसको रिटर्न ही कर दूंगी, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। तो कुछ आप देखो पहले, सबसे पहले आप पूरा पीस देखिए, इस तरीके का ये पीस है आपको मिलेगा। इसमें नीचे ये घुंघरू लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है वो है ये, इस ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये ऊपर नीचे हैं, ये बिल्कुल भी इकसार नहीं है। तो ये ऐसे एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है। तो मैं आपको इसको पहन कर दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का ये लुक देगा। है तो वैसे बहुत प्यारा, बट यही चीज़ जो है आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है, ये ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को। मे बी आगे चल के इसमें कोई इशू हो जाए, तो इसलिए एक बार मेरे को इसको एक्सचेंज ही कराना पड़ेगा। अगर एक्सचेंज के बाद भी सेम इशू रहता है देन मैं इसको रिटर्न ही कर दूंगी फिर। तो आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो, अगर आपको सही रिसीव होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को तो थोड़ा सा डिफेक्टिव रिसीव हुआ था ये। बाकी पीस जो था वो पीस नो डाउट मुझे बहुत पसंद आ रहा था, और 150 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, हैवी भी है, क्वालिटी भी दे रहे हैं 150 में। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कुछ नहीं है, क्वालिटी भी दे रहे हैं। ये जो है वो ये काफ़ी स्टर्डी है, बीच का जो पोर्शन है। तो ये था मेरा ओवरऑल हॉल, ज्वेलरी हॉल, जो कि बहुत छोटा सा, इसमें मैंने 6 पीसेस आपको दिखाए थे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।